पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नीतीश कुमार के एनडीए में आते भारतीय जनता पार्टी ये बात समझ गई थी कि ये रास्ता आसान नहीं होगा। यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तरह से बिहार का जो कमान है अपने हाथ में ले लिया है, और इस कमान को लेने के बाद भारतीय जनता पार्टी लगातार प्रयोग करना भी शुरू कर चुकी है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 28 तारीख को जब सरकार ने अपना बहुमत साबित किया, उसके बाद से तो कहानियां शुरू ही हो गई। 28 तारीख को सरकार नई बनी और यहां शपथ ग्रहण हुआ। शपथ ग्रहण के बाद कई बार तारीखें बदली गई बहुमत साबित करने की और विधानसभा सत्र की। पहले आपको पता था कि 5 तारीख को होना था, लेकिन तब तक सरकार नहीं बदली थी। फिर 10 तारीख का डेट तय हुआ और उसके बाद संवैधानिक अड़चनों को देखते हुए फिर से 12 तारीख का डेट तय किया गया। ये सारी प्रक्रिया हुई, इसके साथ साथ बिहार में उठापटक भी हुआ। दोनों खेमे अपने अपने हिसाब से लोगों को प्रभावित करने में भी लगे हुए थे। हॉर्स ट्रेडिंग से लेकर के इधर से उधर करने तक के दबाव तक की राजनीति हुई, और ये सारी राजनीति आपने खुली आंखों से देखा। लेकिन अब जो राजनीति होने जा रही है ये अलग कहानी कह रही है, और इसीलिए हम आपको बार बार बता रहे हैं कि खेल तो अब होगा। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर के बिगुल फूका गया है, और 543 लोकसभा सीटों में सबसे ज़्यादा अगर हॉट सीट कहीं है या सबसे ज़्यादा कहीं अगर राजनीति हो रही है तो वो है बिहार। बिहार में आपने देखा कि जैसे ही सरकार बदली उसके बाद से और भी तेजी से रणनीति बदलने लगी। इससे पहले आपको पता है कि नीतीश कुमार INDIA गठबंधन में थे, और उस गठबंधन को बनाने में नीतीश कुमार की भूमिका भी बड़ी थी। मोदी विरोधी दलों को नीतीश कुमार ने जुटाया था, और ये सारी चीज़ कहीं ना कहीं आपको पता है कि बिहार फतह का एक बड़ा अभियान जो भारतीय जनता पार्टी चला रही थी उसमें विराम लग रहा था। नीतीश कुमार अब NDA के साथ हैं। खास करके अगर भारतीय जनता पार्टी इस बात को लेकर के खुश हो रही है कि उसने INDIA गठबंधन को तोड़ लिया, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि बिहार में जिस तरह से तेजस्वी यादव, राहुल गांधी और वाम दल अपने रणनीति को आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं, तेजस्वी यादव ने विधानसभा की कार्रवाई को छोड़ भारत जोड़ो यात्रा के बाद जब राहुल गांधी ने शुरू किया था उसके ठीक बाद जन विश्वास यात्रा पर निकल गए हैं, और अपने 17 महीने के कार्यों को लेकर के बिहार की जनता को बता रहे हैं और उनसे आशीर्वाद भी मांग रहे हैं, उनमें विश्वास जताने की कोशिश कर रहे हैं कि वो आगे बिहार को बदलने का काम करेंगे। इसके साथ साथ आपको पता है कि 2019 में भी तेजस्वी यादव ने बहुत मेहनत किया था, लेकिन 40 में से 39 सीटें जीत करके NDA ने तेजस्वी यादव के सारे सपनों पर पानी फेर दिया था। इस बार भारतीय जनता पार्टी 40 में 40 की बात कर रही है, और इसको लेकर के रस्साकसी भी शुरू हो चुकी है। आपको पता है कि जनविश्वास यात्रा के बाद तारीखों का ऐलान हो गया है। गांधी मैदान में एक बड़ा महागठबंधन का रैली आयोजित किया जाएगा, और ये गांधी मैदान में एक नए अभियान की शुरुआत होगी जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गांधी मैदान से सीधे चुनौती दी जाएगी। 40 सीटों का यह तिलिस्म कैसे टूटेगा इस बात को लेकर के तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। ठीक उसी दिन भारतीय जनता पार्टी ने भी एक बड़ा प्लान रच दिया है, और इस प्लान में सीधे अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भर से अन्य होने जा रहा है। यानी 3 मार्च को जहां गांधी मैदान में महागठबंधन के साथी दल अपनी शक्ति का परीक्षण करेंगे, वहीं दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी भी बिहार में ही होंगे। आपको बता दें कि इस रैली के में शामिल होने वालों की लिस्ट में राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, डी राजा, दीपांकर भट्टाचार्य, सीताराम येचुरी जैसे कई दिग्गज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनौती देंगे, जहां पटना के प्राचीर से गांधी मैदान के। तो वहीं एक तरफ आपको बता दें कि इन नेताओं को सीधी चुनौती मिल रही होगी नरेंद्र मोदी के तरफ से। आपको बता दें कि NDA की सरकार बनने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह पहला बिहार दौरा है। इससे पहले कई उनके दौरे जो हैं वो कैंसिल हो चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 मार्च को बेतिया में जनसभा को संबोधित करेंगे। केंद्र की कई योजनाएं हैं जिसका उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे। कहा जा रहा था कि जब सरकार बनी है NDA के डबल इंजन की तो बिहार को विशेष कुछ मिलेगा। अमित शाह की 5 मार्च को पटना में रैली है। इसके साथ साथ अब पूरी तरह से 28 फरवरी को ही राजनाथ सिंह एक जनसभा को संबोधित करेंगे। यानी 3 मार्च की जो रैली होने वाली है उसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार अभी मुंह ही ताक रहे थे तब तक अपनी तैयारियां शुरू कर दिया। सीतामढ़ी, छपरा, मधुबनी या दरभंगा में से किसी 2 स्थानों पर जनसभा को संबोधित किया जाएगा।
यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी आज ही आने वाले हैं। शाहबाद क्षेत्र में आयोजित संत रविदास समारोह में वो शामिल होंगे। इन सारी बातों को लेकर के आपको बता दें कि पूरी की पूरी तैयारी शुरू हो चुकी है। 3 मार्च को पटना में जहां एक तरफ राहुल होंगे तो दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी होंगे, और ये कहीं ना कहीं इशारा कर रहा है कि बिहार कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब आप समझ सकते हैं कि तेजस्वी यादव ने जन विश्वास यात्रा को लेकर के एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की कहीं ना कहीं जमीनें ही जरूर हिला दी हैं। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी भी कम नहीं है, नीतीश कुमार को किनारे करके अब खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कमान संभाल लिया है, और ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि बिहार की ये जंग किस दिशा में जाती है। बिहार सबसे हॉट बना हुआ है और बिहार की 40 सीटें उन 543 सीटों पे भारी पड़ रही है। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ, बहुत बहुत धन्यवाद। जो सोचता है वो करता है। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।